स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे देवी पाटन मंडल की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं, इकौना थाना क्षेत्र के इकौना बहराइच मार्ग पर मोहनीपुर तिराहा पड़ता है, वहाँ पर इस वक्त कांवड़ियों का जत्था पहुँचा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इकौना और गिलौला इलाके से कांवड़िए पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगोपुर में जो पृथ्वीनाथ शिवलिंग है भगवान शिव का, वहां पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। पैदल ही यात्रा कर रहे हैं, डीजे के साथ में झूमते हुए गाते हुए भगवान शिव के बम बम भोले का नारा लगाते हुए कांवड़िए कड़कती धूप में जल लेकर यहां से निकल रहे हैं। सीता सरोवर कुंड से जल भरा गया है। सबसे पहले हम आपको बता दें सीता सरोवर कुंड के बारे में। सीता सरोवर कुंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था, जब लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़ने आए थे, तो यहाँ पर सीता जी को प्यास लगी थी, जिसके बाद भगवान लक्ष्मण ने एक बाण चलाया था जिससे ये जल प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है हमारे श्रावस्ती में। और कहा जाता है कि तब से लेकर के आज तक सीता सरोवर कुंड का झील जो है, पानी जो है, कभी सूखा नहीं है। तो इस पानी को पवित्र माना जाता है। इस पानी को ये वरदान मिला हुआ है कि इसमें जो भी स्नान करेगा उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर 5 दिवसीय मेला लगता है और यहाँ पर लोग इस सीता सरोवर झील में स्नान भी करते हैं। तो ये जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहीं से जल भर करके कांवड़िए पड़ोसी जनपद गोंडा के खरगोपुर में स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए निकल रहे हैं। मोहनीपुर तिराहे पर इन सब को रोका गया है क्योंकि यहां पर इकौना के चेयरमैन, इकौना के नगर पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता गुड्डू पहुंचे हैं, जो कांवड़ियों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। पैदल ही यात्रा करने के लिए निकल चुके हैं। काफ़ी धूप है लेकिन हौसला कम नहीं हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं उप जिलाधिकारी RP चौधरी भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए इकौना की पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कोई भी दिक्कत ना आने पाए, कोई भी परेशानी ना होने पाए, इसके लिए पुलिस को लगाया गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक नियमों का भी यहां पर पालन कराया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। वीडियो में थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी, इकौना के थाना अध्यक्ष संतोष तिवारी पूरे दल बल के साथ मोहनीपुर तिराहे पर इस वक्त मौजूद हैं और कांवड़ियों को सड़क पार करवाया जा रहा है। बड़े बड़े वाहनों को दोनों तरफ रोक दिया गया है। जैसे ही ये रोड क्रॉस हो जाएगा, इकौना थाना क्षेत्र क्रॉस हो जाएगा, वैसे ही गोंडा की पुलिस इन कांवड़ियों की सुरक्षा करेगी। विशेषरगंज की पुलिस हो सकती है क्योंकि इसके बाद हमारा बहराइच लगेगा, उसके बाद गोंडा लगेगा। तो इस वक्त कांवड़िए जो है सीता द्वार मंदिर से निकले हैं, रात में ही पहुँच गए थे। रात में इन्होंने जल भरा है। बहुत सारे लोग सुबह पहुँच गए थे, काफ़ी संख्या में बम बम भोले का नारा लगाते हुए भगवान शिव के ये भक्त हैं, कड़कती धूप में पैदल ही निकल चुके हैं पृथ्वीनाथ मंदिर के लिए। सुरक्षा की दृष्टि से उप जिलाधिकारी स्वयं यहां पर मौजूद हैं, इकौना थाना अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ में इकौना के पुलिसकर्मी। सड़कों पर इस वक्त दोनों तरफ वाहनों को रोक दिया गया है। जब तक कांवड़िए यहाँ से निकल नहीं जाते हैं, कोई भी वाहन यहाँ से गुजरेगा नहीं। छोटे छोटे वाहनों को जाने दिया जा रहा है लेकिन जो बड़े वाहन हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोका गया है, मात्र 2-4 मिनट के लिए, ताकि कांवड़िए सब यहां से निकल जाएं और बाद में ट्रैफिक का जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलाई जा सके। नेशनल हाईवे है, आप जानते होंगे, बहुत ही व्यस्त हाईवे है, इसीलिए पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी भी काफ़ी है। ऊपर से नेशनल हाईवे 730 है, 730 के बारे में आप जानते होंगे, मौत का हाईवे कहा जाता है इसको पूरे देवीपाटन मंडल में। तो इकौना की पुलिस यहां पर मुस्तैद है भयंकर गर्मी में। आइए सुनवाते हैं नगर अधिक और इससे बहुत ही विशाल तक कार्यक्रम हो, हम मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद देंगे और अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में व्यवस्था के लिए बाबा भोलेनाथ के चरणों में 1500 का नगद सहयोग राशि आदरणीय मिश्रा जी को हम दे रहे हैं व्यवस्था के निमित्त में कि आप अपनी व्यवस्था उसमें लगाएं। शिव कुमार सिंह जी मोहनीपुर के 500 रुपये का सहयोग बाबा के चरणों में दे रहे हैं, बाबा इनकी भी मनोकामना पूर्ण करें। अपने प्रमोद शर्मा जी बाबा 300 रुपये का
सहयोग दे रहे हैं। बाबा इनकी मनोकामना को पूर्ण करें और हम बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार को, आपको और समस्त अपने सहयोगी बंधु, चाहे डीजे वाले हो, चाहे रथ वाले हो, संत महात्मा हो, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सबका वंदन अभिनंदन नमन करते हुए और बाबा सभी का मनोकामना पूर्ण करें। सुरक्षा में लगे हुए सभी भाई बहनों का, सभी अधिकारी बंधुओं को धन्यवाद देंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब अपना आपको विचार देंगे। जय भोले, हम भोले। छह पद पर ले जाए ताकि कहानियों का और स्वागत हो रहा है। सच्चे दरबार की बोल, बम का नारा है, बोल बम का नारा है। अब हम जाएंगे दुबे जी हमारे भैया को गाना लगा। हाँ भैया का ले जाए दुबे जी, आरती करा ले दोनों का।